बड़ी पाठशाला में मैं इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ। इस नवरात्रि में सब लोग व्रत रखते हैं और सब लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, तो मैं आज आपको झटपट तैयार होने वाले 4 तरह के व्यंजन बनाने की विधि बताऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ तीन चीजों का ही प्रयोग किया हुआ है, आलू, दही और कुटू का आटा। तो इसमें आज जो मैं 4 तरह के व्यंजन बनाने की विधि बताऊंगी, उसमें पहला है सूखे आलू की सब्जी, आलू का रायता, कुटू के पराठे और आलू का हलवा। तो जो पहला व्यंजन है वो है सूखे आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज आलू लिए हुए हैं, जिनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, और देशी घी लिया हुआ है, फलारी नमक है जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, और काली मिर्च है। तो चलिए सूखे आलू बनाने के लिए गैस ऑन करते हैं। इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी डालूंगी। आलू, फलारी नमक, ये स्वाद अनुसार है, आपको जितना डालना है, एंड काली मिर्च। ये काली मिर्च मैंने दरदरी पीसी हुई है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एंड मैं इसको चला दूंगी। तो इसको मैं अभी कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए मैं इसको सुनहरे ब्राउन होने तक रखूंगी और गैस को सिम कर दूंगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसको देख लेती हूँ। ये आप इसको लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा, ये जो नीचे ये ब्राउनिश हो जाता है ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मेरे आलू तैयार हो गए हैं और मैं इसको इसी में कवर करके रख दूंगी और 5 मिनट बाद इसको निकालूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी। तो जो ये दूसरा व्यंजन है वो है आलू का रायता। तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज आलू लिए हुए हैं, जिसको कि मैंने पतला पतला गोल गोल काट लिया है। मैंने एक बोल कर लिया हुआ है जिसको कि मैंने छान लिया है, आप चला भी सकते हैं। फलारी नमक है एंड काली मिर्च है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें मैं ये आलू डालूंगी एंड कर्ड, सॉल्ट, फलारी नमक, ये आपके स्वाद अनुसार है, एंड काली मिर्च। काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमारा आलू का रायता तैयार हो गया है। तो जो मैंने तीसरा व्यंजन लिया है वो है आलू का हलवा। मैंने 1/2 केजी आलू लिए हुए हैं, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। शुगर मैंने 6 टीस्पून शुगर ली हुई है, देशी घी है, एंड थोड़ी सी किशमिश है, चिरौंजी है, एंड इलायची है जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गैस ऑन करते हैं, एंड मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डालूंगी। आलू के हलवे में थोड़ा घी ज्यादा पड़ता है। आलू डालेंगे जो मैंने ग्रेट किए हुए थे, इसको मैं अभी गैस को तेज ही रखूंगी। अब इसको मैं सुनहरा ब्राउन होने तक इसको मैं भूनूंगी, तभी इसमें टेस्ट आएगा। देखिए सुनहरा हो गया है। अब मैं इसमें शुगर डालूंगी, इसको मिक्स करेंगे। गैस को मैं सिम पे ही रखूंगी। तो देखिए ये घी छोड़ने लग गया है और ये मेरा तैयार है। इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। चिरौंजी, इलायची, आप इसमें और भी कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू, बादाम,
और ये मेरा आलू का हलवा तैयार हो गया है। ये बहुत टेस्टी होता है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसको निकाल लूंगी। तो ये आलू के हलवे को निकाल लेते हैं। ये देखने में ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो नेक्स्ट व्यंजन मैं कुटू के पराठे बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज आलू लिए हुए हैं जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 बोल कुटू का आटा है जिसको मैंने छान लिया है, इसको छानना जरूरी है। एंड सेंधा नमक है और पराठे बनाने के लिए देशी घी है। तो चलिए आटा मारते हैं। ये 1 बोल कुटू का आटा है एंड मैश्ड आलू। मैं इसको आलू से ही मारूंगी एंड थोड़ा सा सॉल्ट। हर व्रत के जो सामान में सेंधा नमक ही पड़ता है, तो इसमें मैंने सेंधा नमक ही डाला है। तो ये मेरा आटा मर गया है, इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, ये मैंने सिर्फ आलू से मारा है। तो ये 1 बोल में 6 पराठे बन जाएंगे आपके। तो चलिए बेलते हैं इसको, बहुत हल्के हाथ से बेलना है। गैस ऑन कर देते हैं। बहुत हल्के हाथ से ही करना है इसको, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। इसको पलटते हैं। ये देखिए सुनहरे दाने आके हैं। तो अब इसमें आप घी लगाइएगा, सुनहरे दाने आने के बाद ही घी लगना चाहिए और ज्यादा घी भी नहीं लगाना है। ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो ये देखिए ये कितना अच्छा सिक रहा है। इसी तरह लाल करना है। ये मेरा पराठा कुटू का तैयार है और देखिए बिला अच्छा है तो फूल भी रहा है। तो इसको बहुत हल्के हाथों से बेलना है। इसको निकाल लेते हैं। तो पलट देते हैं इसको, देखते हैं। ये देखिए इस तरह से आना है। अब इसमें मैं बहुत थोड़ा घी लगाऊंगी, ज्यादा इसमें घी नहीं लगाना है। एंड पलट दीजिए और थोड़ा इसको प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छा सिकेगा। ये देखिए तो इसको पलट के देखते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा है, ये तैयार हो गया है। तो इसमें आप सुनहरे दाने पड़ने के बाद ही घी लगाइएगा। तो मैं इसको गैस ऑफ करती हूँ और पराठा निकाल लेती हूँ। तो मेरे ये 4 व्रत के व्यंजन तैयार हैं। सूखे आलू की सब्जी, आलू का रायता, आलू का हलवा और कुटू के पराठे। तो और ये बहुत ही झटपट बनते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और घर में जो चीजें हैं उन्हीं से बन जाते हैं। तो आप इसको बनाइए, खाइए और इसका भरपूर आनंद लीजिए। और अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। टेक केयर।